और आज की हैंड रिटन शीट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ शेल्स। शेल की प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से सुनना है, आराम से और ध्यान से। इन शेल में से, मेंस में से, इस साल, पिछले साल नीट में शेल की प्रॉब्लम आती है, कंसेंट्रिक शेल की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है आपको। दो फॉर्मूलाज को ही बार 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 हम यूज करने वाले हैं बस। सबसे पहला फॉर्मूला, इसमें सॉलिड स्फीयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। ये प्रॉब्लम शेल की प्रॉब्लम है। तो शेल के अंदर, शेल का मतलब जो अंदर से खाली है। तो आज के लेक्चर में बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर कोई पॉइंट शेल से छोटा आर डिस्टेंस दूर है और शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, तो यहां पर ई क्या लगेगा, 1/4πε0Q/r² और वी क्या लगेगा, 1/4πε0Q/r। क्या ये पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला देख रहे हो? ठीक। तो अगर ये पॉइंट सेंटर से छोटे आर दूरी पे है तो ई और वी का फॉर्मूला आपको ये ध्यान से देखना है, राइट। अगर ये पॉइंट सरफेस के ऊपर है तो स्मॉल आर की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, कैपिटल आर। तो ई का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r² और वी का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r। ये स्टेप क्लियर है? और अगर कोई पॉइंट शेल के इनसाइड है तो शेल क्या कहेगा कि अगर ये पॉइंट मेरे इनसाइड है तो वी मेरा कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे वी कितना है, इतना है। तो अंदर वी कितना है, इतना ही है जितना सरफेस के ऊपर, लेकिन ई क्या रहेगा, जीरो। क्या ये फॉर्मूला ध्यान से देख लिए, स्पेशली छोटा आर बड़ा आर सब देख लिया, लगाए फॉर्मूला फिर। ठीक, सबसे पहली प्रॉब्लम, आपके पास दो मेटल के शेल्स हैं, कंडक्टर हैं, और अगर ये कंडक्टर हैं, ए और बी रेडियस के कंडक्टर हैं, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं। ये रेड कलर में चार्ज का मतलब है ये ओरिजिनल चार्ज मैंने दिया था, और जो पेंसिल से ग्रे कलर का चार्ज है वो इंड्यूस चार्ज है, ये इसका अपना चार्ज नहीं है, ये बाय इंडक्शन जनरेट होगा। तो अगर ये इसके ऊपर Q1 चार्ज है, तो मेटल है, कंडक्टर है, तो Q1 चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा अंदर की तरफ, तो आउटर सरफेस के नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -Q1, और बाहर क्या आ जाएगा, +Q1। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि सपोज करो ये एक चार्ज है, एक्चुअल में चार्ज ऐसे दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1, इसके बाहर एक शेल है, इस शेल के ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और बाहर की तरफ क्या जनरेट हो जाएगी, डेफिशिएंसी कुछ इस तरीके से, राइट। तो अगर टोटल चार्ज मिला के ये क्यू है, तो टोटल चार्ज मिला के ये -Q है, टोटल चार्ज बाहर की तरफ +Q है। पहला स्टेप सबको क्लियर है, इस प्रॉपर्टी को इंडक्शन बोलते हैं, शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ठीक, तो ये इंडक्शन हो गई। क्वेश्चन आएगा, बताओ आउटर स्फीयर का सिग्मा क्या होगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो आउटर स्फीयर के बाहर कितना चार्ज है, Q1, और एरिया कितना है आउटर स्फीयर का, 4πb² और इनर स्फीयर के अंदर सिग्मा क्या होगा, इनर स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, -Q1/ एरिया, इसका भी 4πb². तो सिग्मा की वैल्यू आउटर और इनर सरफेस के ऊपर सेम नहीं होगी, सिग्मा की वैल्यू दोनों सरफेसेस पे डिफरेंट होगी। कोई डाउट इसमें, तो सिग्मा यहां पर बाहर अलग होगा, अंदर अलग होगा, क्योंकि एक के ऊपर बाय इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि नेट चार्ज कितने आउटर शेल का, तो दोनों चार्जेस को मिलाएंगे तो नेट चार्ज जीरो, क्योंकि इसका अपना कोई चार्ज है ही नहीं। कोई डाउट इसमें, इसका कोई अपना चार्ज ही नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक, पहला केस क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, सपोज आपके पास यही सेम क्वेश्चन है,
ये चार्ज Q1 है अंदर के शेल का, ये मैंने दिया ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज, और आउटर शेल को मैंने कितना चार्ज दिया Q2 ओरिजिनल, ये मैंने दिया। जो पेंसिल से बने हुए चार्जेस हैं वो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। तो अगर ये Q1 है तो ये क्या करेगा, ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये Q1 की जगह -Q1, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगी +Q1, क्योंकि ये चार्ज कहाँ से आया, नेगेटिव, बाहर से आया, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर नेगेटिव हो गया। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है? ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था कभी कि अगर ये Q1 है तो इसके अंदर की तरफ -Q1, और ये माइनस कहां से आया, आउटर सरफेस से आया, तो यहां पर उतना ही +Q1। तो आउटर सरफेस पे पहली चार्ज पड़ा हुआ था Q2, और आपने इंडक्शन से और इसमें जनरेट कर दिया Q1, तो टोटल चार्ज कितना है Q1 +Q2, और अंदर की तरफ चार्ज क्या है -Q1। कोई डाउट इसमें? चार्जेस समझ में आ रहे हैं? एक क्वेश्चन जो दूसरे बैच वालों ने बहुत पूछा और कंफ्यूजन हो गई और पूछते गई सेम चीज, कि इंडक्शन आप यहां से क्यों शुरू करते हो, Q1 -Q1 +Q1, आप ऐसा क्यों नहीं करते Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले और ये चार्ज रीएडजस्ट हो जाए अंदर की तरफ, ये ना हो। मतलब हमने कहा Q2 ऐसे ही पड़ा है, हमने कहा Q1 -Q1 +Q1, उन्होंने कहा उल्टा, स्टार्ट विद Q2, बोले Q2 अंदर कोई चार्ज, बाई इंडक्शन यहां कोई चार्ज, बाई इंडक्शन यहां कोई चार्ज, मतलब अंदर से बाहर नहीं जाओ, बाहर से अंदर क्यों नहीं आते? इलेक्ट्रोस्टैटिक ई जीरो करने के लिए ऐसा कुछ? चार्ज हमेशा बाहर रहने की टेंडेंसी रखता है चार्ज शेल। अगर आप चार्ज दोगे एक शेल को तो वो अंदर कभी नहीं आता, चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर ही आता है हमेशा। इसका भी रीजन है, गॉस लॉ से प्रूफ आएगा इसका, मैं करूंगा प्रूफ थोड़ी देर में, तो मैं प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा और कंफ्यूजन हो जाएगी, प्रूफ ज्यादा कंफ्यूज करता है उल्टा, कई बार चीजें ज्यादा खोल के देख लो तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी पहले मेरे कहे पे इंडक्शन बाहर की तरफ ही जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो क्यों ऐसा होता है इसका आंसर मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा, ठीक है? यहां तक तो ये डायग्राम क्लियर है? यहां तक पहले मेरा क्वेश्चन है, मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया वन, ये रहा वन पॉइंट शेल के अंदर, मेरा क्वेश्चन है इस वन पॉइंट पर ई एंड वी दोनों निकालो, मुझे ई भी चाहिए और मुझे वी भी चाहिए, ठीक? तो इस पॉइंट पर ई कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों शेल्स करेंगे, तो एक एक करके वैल्यू बतानी है। पहले फर्स्ट शेल से पूछो, तो क्या तू ई कंट्रीब्यूट करेगा? तो फर्स्ट शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, मेरे इनसाइड लाई करता है, और शेल कभी भी अपने इनसाइड ई में कंट्रीब्यूट नहीं करता, शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट शेल कंट्रीब्यूट क्या कराएगा, जीरो। सेकंड से पूछो क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है, जब मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं फर्स्ट को भूल जाना है, और जब मैं फर्स्ट का आंसर पूछ रहा हूं तो सेकंड को नहीं लेना। तो फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन यहां पर जीरो, और सेकंड शेल ने क्या कहा कि वन नंबर पॉइंट तो मेरे अंदर ही लाई करता है, तो मैं भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा क्योंकि दोनों शेल्स के अंदर ये पॉइंट लाई करता है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली जीरो। कोई डाउट इसमें? दोनों शेल्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, समझ में आता है? ठीक, रूल कौन सा लगा? रूल वही लगा जो सबसे पहले पेज पे फॉर्मूला के बना है, कि अगर कोई पॉइंट अंदर लाई करता है एक शेल के, वहां ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट पर वी निकालना है, अब वी तो जीरो नहीं होता ना, वी तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो वी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट शेल से पूछो क्या तू वी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो फर्स्ट शेल कहता है क्योंकि वन नंबर का पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, और किसी भी शेल के इनसाइड वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, और किसके इक्वल, जितना उसकी सरफेस पे वी होता है। तो फर्स्ट शेल की फर्स्ट शेल ने कहा आप मेरी सरफेस पे जाके वी कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर मेरी सरफेस पे आएगा वही वन नंबर पॉइंट पे लगा देना। तो सरफेस के रेडियस कितना है ए, और चार्ज कितना है इसके ऊपर क्यू वन,
तो पहली शेल के सरफेस पे वी क्या आएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 डिवाइडेड बाय ए। ये स्टेप समझ में आया, दिस इज द कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ इनर शेल। इनर शेल ने अपने सरफेस का वी निकाला और अपने इनसाइड उसको कांस्टेंट बोलते हुए सेम आंसर दे दिया, गुड आउट इसमें। अब सेकंड शेल से पूछा क्या तू वी कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड शेल क्या कहेगा कि क्योंकि वन नंबर का पॉइंट भी मेरे अंदर ही लाई करता है, तो जितना मेरी सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही मेरे अंदर भी पोटेंशियल होगा, तो आप मेरी सरफेस पे जाके पूछ लो कि पोटेंशियल कितना है। तो मैं सरफेस पे चला गया, सरफेस का रेडियस सेंटर से कितना है, बी। सरफेस के ऊपर दो दो चार्ज है, अंदर भी है और बाहर भी है, तो पहले अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज सरफेस पे ही कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू 1 डिवाइडेड बाय बी, सरफेस का पोटेंशियल आ गया। और एक और चार्ज है क्यू 2 प्लस क्यू 1, तो क्यू 2 प्लस क्यू 1 कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि ये पॉइंट 1 सेकेंड शेल के सरफेस के अंदर लाई करता है, तो सेकेंड शेल क्या बोलता है, मेरी सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो सरफेस के पोटेंशियल में एक तो माइनस क्यू 1 का पोटेंशियल और एक क्यू 1 प्लस क्यू 2 का पोटेंशियल किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, दोनों शेल्स का आंसर आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया। कोई डाउट इसमें, डाउट है तो प्लीज अभी के अभी पूछो, क्योंकि पूरे लेक्चर में यही कुछ यूज होते जाना है, मतलब एक ही क्वेश्चन में थोड़ा जो डिस्कशन करनी है कर लो, बाकियों में सेम ही आएगा। अब वो बताता हूँ, वो शॉर्टकट मैं बताऊंगा। यहां तक क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 बाय बी क्यू 2 बाय बी, ये वाली टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल। चेक करो, माइनस क्यू 1 और क्यू 1 का पोटेंशियल आपस में क्या हो रहा है, इसका मतलब कैंसल, क्योंकि माइनस क्यू 1 और क्यू 1 चार्जेस किसकी वजह से जनरेट हो रहे थे, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और इंडक्शन के जो पोटेंशियल है यहां पर वो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल। यानी कि ये एक्चुअल में माइनस क्यू 1 एंड क्यू पोटेंशियल में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस क्यू 1 जो नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहा है, प्लस क्यू 1 उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहा है, और अफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसर। क्लियर है यहां तक? तो अब ये कह रहा है कि फिर लेने की जरूरत क्या थी, ये मैं बताऊंगा, ये शॉर्टकट है कि इंडक्शन जब हम वी कैलकुलेट करेंगे ना आज के बाद, हम इंडक्शन को कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन के अफेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इंडक्शन होती नहीं, इंडक्शन होती है, पर हम जानबूझ के उसे लेंगे नहीं, क्योंकि लेने से चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। V की कैलकुलेशन में माइनस क्यू और क्यू वन आपस में कैंसिल ही कर रहे हैं टर्म को, तो हम आगे से लेंगे नहीं। क्या ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? E और V कैसे निकाला समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल रीजन नंबर 2 की बात करते हैं। जो रीजन नंबर 2 है उस पे ई का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट शेल से पूछो। फर्स्ट शेल ये कहेगा क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 मेरे सेंटर से एक्स डिस्टेंस बाहर लाए करता है, अंदर नहीं बाहर लाए करता है, शेल नंबर 1 के बाहर है ये पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट शेल के बाहर है तो शेल नंबर 1 बोलता है मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा, कितना करूंगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन फर्स्ट शेल q1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्योंकि ये चार्ज सेंटर, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर से x दूरी पे है, x डिस्टेंस बाहर है, तो अगर कोई शेल के बाहर कोई पॉइंट है तो E का कंट्रीब्यूशन होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सेकंड से पूछो क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के अंदर ही लाई करता है अभी भी, तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई पॉइंट शेल के अंदर लाई करता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं लगा सकता, तो सेकंड शेल का कंट्रीब्यूशन अभी भी क्या रहेगा, जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वी की वैल्यू की बात करते हैं। V की वैल्यू के लिए सबसे पहले फर्स्ट शेल से पूछो तो कितना V लगाएगा, फर्स्ट शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से x दूरी पे है तो मैं x दूरी पे पोटेंशियल लगाऊंगा, कितना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डिवाइडेड बाय x, बस। सेकंड से पूछो क्या तू पोटेंशियल लगाएगा, सेकंड कहता है क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 मेरी सरफेस के अंदर ही लाई करता है तो आप एक काम करो मेरी सरफेस पे जाके पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस पे होगा उतना मेरे इनसाइड होगा। चलते हैं इसकी सरफेस पे, सरफेस कितनी दूरी पे है, बी, तो सरफेस पे कितने चार्ज हैं, दो, अंदर भी और बाहर भी,
तो अंदर का चार्ज अपनी सरफेस पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई बी, और बाहर वाला चार्ज क्या लगाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई बी। ये देखो, तो सेकेंड शेल ने क्या कहा कि मेरे सरफेस का पोटेंशियल लगा लो, जो सरफेस का पोटेंशियल होगा और जो इनसाइड का पोटेंशियल होगा वो एब्सोल्युटली सेम होगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो फिर पूछ लेना अगर दिक्कत होगी तो। सेकेंड नंबर पॉइंट पे फर्स्ट शेल कितना पोटेंशियल लगाएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट के लिए फर्स्ट, ये जो पॉइंट है वो एक्स दूरी पे है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो क्लियर है। और सेकेंड शेल क्या कहेगा कि अगर मेरा पोटेंशियल यहां पर लेना है तो आप मेरे सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के अंदर है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना अंदर होगा, सेम होता है। तो सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, सरफेस का डिस्टेंस यहां से बी है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई बी, एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन प्लस क्यू टू बाई बी। तो आपने ये टर्म लिख दी, पर आप ध्यान से देखो, जब आप इसे ओपन करोगे माइनस क्यू वन बाई बी या से प्लस क्यू वन बाई बी, आपस में फिर से क्या हो गया, कैंसल। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों चार्जेस बिकॉज ऑफ इंडक्शन है, और इंडक्शन को जब हमने कंसिडर किया तो वो पोटेंशियल में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इंडक्शन से प्रोड्यूस हुए हुए चार्जेस पोटेंशियल को क्या कर गए, कैंसल। क्लियर है यहां तक? इसलिए हमने इंडक्शन क्यों ली, हम आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शन लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका अफेक्ट इसमें वी और ई में देखने को नहीं मिल रहा। पर ये नहीं कहेंगे इंडक्शन होती नहीं, इंडक्शन होती है, हम लेते नहीं। क्लियर है यहां तक? फिर मैंने रीजन चेंज किया, मैंने रीजन नंबर क्या लिया, 3 ले लिया। अब फर्स्ट शेल से पूछा तो ई में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट शेल क्या बोलता है, क्योंकि ये डिस्टेंस वाई मेरे शेल से बाहर है, फर्स्ट शेल से बाहर है, तो अगर कोई पॉइंट बाहर है तो ई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट शेल का चार्ज क्यू वन डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड से पूछो, सेकेंड कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी सेंटर से बाहर है तो मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, और एक नहीं मैं तो दो दो कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरे पास अंदर भी और बाहर भी चार्ज है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई वाई स्क्वायर, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू प्लस क्यू वन बाई वाई स्क्वायर। ठीक, दोनों के सेंटर से दूरी कितनी है इसकी, वाई है, तो सारों के नीचे क्या डिस्टेंस चल रहा है, वाई। क्लियर, वो अलग बात है कि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो फिर से क्यू वन का इफेक्ट कैंसल। वो इसलिए क्योंकि इंडक्शन के प्रोड्यूस किए हुए ई और वी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो आज के बाद हम इसका मतलब पक्का श्योर है कि हम इंडक्शन नहीं लेने वाले, बिकॉज इन द एंड कोई हमें फायदा हो नहीं रहा, उल्टा गलती होने का चांस जरूर ज्यादा हो सकता है इसमें। ठीक, और वी का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट शेल से पूछो, क्या तू यहां पर वी लगाएगा, लगाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, वाई, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाई वाई। और सेकेंड शेल से पूछो, सेकेंड शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से बाहर है, सरफेस से बाहर है, तो मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, कितना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई वाई एंड क्यू टू प्लस क्यू वन बाई वाई। वो अलग बात है कि क्यू वन और क्यू वन वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। तो ये तो पक्का श्योर हो गया कि इंडक्शन इसमें बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, और कितने लोगों को समझ में आ गया, मुझे ई और वी निकालने हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री मेरा अपना गिवन चार्ज है, मैं इंडक्शन लेने वाला हूं नहीं क्योंकि कोई फायदा तो हो नहीं रहा इंडक्शन का, तो मेरे को एक्स फाइव आर बाई टू पे ई और वी निकालना है। चेक करो कितने लोगों को समझ में आ गया। तो मेरे को इसमें फाइव आर बाय फाइव आर बाय टू पे वी और ई निकालना है।
कितने लोगों को ये समझ में आ गया क्या किया? देखो इसके अंदर क्या किया कि सपोज ये आर टू आर थ्री आर पे ये तीन चार्जेस हैं, ये चार्जेस मैंने इसको ओरिजिनली दिए, मेरे को इस पॉइंट पर ई निकालना है। पहले फर्स्ट शेल से पूछो, फर्स्ट शेल को जब पूछ रहे हो तो सेकंड थर्ड को भूल जाना। फर्स्ट शेल क्या बोलेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरी सरफेस के बाहर है, और कितना बाहर है, सेंटर से एक्स बाहर है, तो मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा कितना, 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर, 5r/2, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी 5r/2 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन आ गया। सेकंड शेल से पूछो, सेकंड शेल का चार्ज क्या है, q2, तो सेकंड शेल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है x, तो सेकंड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरी इसके सरफेस के बाहर है तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कितना, 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाय अगेन x स्क्वायर, तो x का मतलब 5r/2 का स्क्वायर। थर्ड शेल से पूछो, थर्ड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के इनसाइड है तो मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो थर्ड शेल का कंट्रीब्यूशन 0। E का केस क्लियर हो गया। अब V की बात करते हैं। V के लिए फर्स्ट शेल से पूछो, फर्स्ट शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरी सरफेस के बाहर है x डिस्टेंस, तो मैं V में कंट्रीब्यूट करूंगा 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय x। सेकंड शेल से पूछो, वो कहेगा क्योंकि ये पॉइंट x दूरी पे है सेंटर से, तो 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाय x। लेकिन थर्ड शेल से पूछो, क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा, वो कहेगा कि करूंगा, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के अंदर लाई करता है, तो जितना मेरी सरफेस पे पोटेंशियल है उतना इनसाइड एक ही बात है, तो आप मेरी सरफेस का पोटेंशियल ले लो, वही कंट्रीब्यूट ले लेना। सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 q3 डिवाइडेड बाय सरफेस का रेडियस कितना है, 3r। तो ये स्टेप समझ में आया, q3 डिवाइडेड बाय 3r, बाकियों में तो x पुट किया, आखिरी में 3r। e और v क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, आपके मेंस में या नीट में एक स्टेप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया ऐसा, e निकालना था लेकिन सिग्मा की फॉर्म में। अब आपको जो सिग्मा की फॉर्म में गिवन था, σ1, σ2, σ3, तो आपको q1 को एंड में रिप्लेस करना है σ1 इंटू इसका एरिया, q2 को σ2 इंटू इसका एरिया, q3 को σ3 इंटू इसका एरिया, वो आप फिर एंड में कन्वर्ट करो, या फिर सिग्मा की फॉर्म में फॉर्मूले याद कर लो v के जो मैंने करवाए थे, मेरे को तो याद नहीं है, मैं यही याद है इसी में पुट कर लूंगा मैं तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखो, सपोज फिर से ओरिजिनली मैंने तीन स्फेयर को तीन शेल्स लिए, तीन शेल्स में मैंने चार्ज दिया q1 q2 एंड q3 ब्लू कलर में, देख रहे हो, और मेरा क्वेश्चन है कि इस आउटर शेल का सिग्मा निकालो, इसके अंदर का भी और बाहर का भी, दोनों सिग्मा निकालने हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो इंडक्शन लेता नहीं, तो फिर मेरा आंसर बनेगा q3 डिवाइडेड बाय इसका एरिया, पर अंदर मैं कहूंगा मैंने इंडक्शन ली तो मैं तो चार्ज क्यों लूं, मेरा आंसर 0, जबकि रियलिटी क्या है, इंडक्शन होती है, कंडक्टर है, इंडक्शन तो होगी, लेकिन मैंने नहीं ली वो अलग बात है। मैं इसलिए ले नहीं रहा था क्योंकि V और E के जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें इंडक्शन के इफेक्ट आपस में कैंसिल हो रहे थे, लेकिन जब मुझे सिग्मा का न्यूमेरिकल आएगा फिर इंडक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिग्मा की कैलकुलेशन में अंदर भी चार चाहिए और बाहर भी चाहिए, तो पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है q1 बाई इंडक्शन क्या बनेगा, -q1। अगर ये -q1 चार्ज कहाँ से आया, +q1, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, q1 + q2, तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा -q1 + q2, और यहाँ पर +q1 + q2, तो इंडक्शन का फैक्ट समझ में आ रहा है, तो यहाँ से शुरू हो गए q1 - q1 + q1, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट। तो अब अगर कोई पूछे कि सिग्मा बताओ आउटर सरफेस का, तो आउटर सरफेस का टोटल चार्ज बोलना है q1 q2 and q3 डिवाइडेड बाय आउटर सरफेस का एरिया 4π3r का स्क्वायर, और इनर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, -q1 + q2 डिवाइडेड बाय आउटर सरफेस का एरिया 4π3r का स्क्वायर। अगर मैं इंडक्शन ना लेता इसमें तो मेरा ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता, तो जब भी सिग्मा की बात होगी इंडक्शन लेनी है, जब वी और ई की कैलकुलेशन होगी इंडक्शन नहीं लेनी, जरूरत नहीं है, और इंडक्शन अगर ले लोगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, नहीं लोगे तो टेंशन है, ध्यान से।
क्या ये पॉइंट क्लियर है पहले बताओ? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को प्लीज दो मिनट के लिए क्रॉस कर दो। ये वाला क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत है, रादर सोल्यूशन काट देना। इसको एंड में डिस्कस करेंगे हम, अर्थिंग की प्रॉब्लम कैसे करनी है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले रूल देख लेते हैं अर्थिंग के, इस प्रॉब्लम को पहले करेंगे। देखो इसके सोल्यूशन को कट कर लेना, पहले वाले को कर लिया ना, वो गलत उसमें इंडक्शन नहीं लिया मैंने ना, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो इस न्यूमेरिकल को करते हैं पहले, फिर उसके ऊपर जाते हुए उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज पहले ना अर्थ का असली कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी सब बातें बाद में है। अर्थ ये बताया जाता है कि अर्थ का मतलब यह ग्राउंड है, अर्थ है, मैंने बताया था हमेशा, अगर ये प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं इसको ग्राउंड या अर्थ कर दूंगा तो मैंने बताया था कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, है ना, ऐसे ही सिखाते हैं ठीक। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता और इसको ग्राउंड कर दिया जाता तो नेगेटिव चार्ज तो वायर में फ्लो हो जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ऐसा सिखाया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था ये, राइट। उसका रीजन मैंने ऐसे बताया कि अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्जेस हैं और अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो जो भी इसके कॉन्टैक्ट में सर्फेस है वो भी न्यूट्रल करने की कोशिश करती है, ऐसे किया था हमने। लेकिन मैं फर्स्ट लेक्चर में क्योंकि पोटेंशियल तो सिखाया नहीं तो मैं पोटेंशियल की टर्म में तो सिखा नहीं पाया। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना, अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्यों जीरो होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल अर्थ लगाती है अपनी सरफेस पे उतना ही नेगेटिव भी लगाती है, तो इतने इनफाइनाइट चार्जेस हैं तो नेट आंसर क्या आ जाता है, जीरो। ठीक, तो जिस भी सरफेस को अर्थ टच कर ले, ये रूल गलत है बोलना कि चार्ज गायब हो जाता है, वो इसमें हो रहा है वो अलग बात है, पर जिस भी सरफेस को अर्थ टच कर ले उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो है। तो जब ग्राउंड करते हो या अर्थ करते हो तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, ये असली रूल है। अब दोनों रूल में क्या फर्क है, बहुत फर्क है, मैं आपको दिखाता हूं क्या फर्क है। सपोज करो, मान लो एक मिनट के लिए कि एक कोई भी पॉइंट है या एक भी कोई भी प्लेट है या कोई भी पॉइंट है जहां पर प्लस 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, या चलो एक मिनट के लिए मान लो ये Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज यहां पर पोटेंशियल r डिस्टेंस पे क्या लगा रहा है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r, ठीक, पोटेंशियल लग रहा है, कोई डाउट इसमें? जैसे कि ये स्फेयर है, स्फेयर मान लो, ये लो स्फेयर है, स्फेयर की सरफेस पे यही पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, ठीक है यहां तक। अब अर्थ की प्रॉब्लम देखो क्या है, अर्थ क्या कहती है कि जहां पर मैं आ जाती हूं तो आसपास के चार्जेस क्या एडजस्ट करेंगे वो देखें, पर मेरा पोटेंशियल जिसको मैं टच कर लूं वो तो जीरो होके ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो एक मिनट के लिए कि यहां पर पोटेंशियल मान लो इतने वोल्ट डेवलप हो रहा था, राइट, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो भी पोटेंशियल है अगर मैं इस पोटेंशियल को जीरो करना चाहता हूं, मैं जीरो करना चाहता हूं वैसे पूछ रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में मेरे को नेगेटिव चार्ज लेना ही पड़ेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा जो एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल लगाए इस पॉइंट पर, कितना, माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय आर, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। अर्थ यही काम करती है, अर्थ क्या कहती है कि सपोज करो एक मिनट के लिए ये एक कोई भी बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है और सामने दीवार है, दीवार इस बॉडी के ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रही है, ठीक है, दीवार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल की है, ये भी कंडक्टर है या कोई भी पॉइंट है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है यहाँ पे, किसने लगाया, किसी शीट ने लगाया, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मैंने इसको अर्थिंग कर दी इसकी। अर्थ कहती है कि अब देखो जो भी यहां पोटेंशियल लग रहा है मैं इस पोटेंशियल को क्या कर दूंगी, जीरो कर दूंगी, ठीक। अब जीरो कैसे करेगी, जीरो कैसे करेगी, चार्जेस को अपने अंदर से या तो देके एक पॉइंट को या फिर उसमें से लेके, चार्ज एडजस्टमेंट करेगी ना, चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में या अर्थ से चार्ज वापस फ्लो होके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक मिनट के लिए फिर एग्जाम्पल लेता हूं कि
सपोज अगर मान लो इंडक्शन ना लें तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। दो मिनट भूल जाएं कि इंडक्शन होती है, सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए, वैसे होती है, मैं इसमें लूंगा नहीं, है ना। तो मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है इस शेल के ऊपर, और मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, ये एक और शेल के साथ सराउंडेड है, ठीक है, और जिसका रेडियस यहां से कितना है, 2r है। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बता ये क्यू चार्ज यहां पोटेंशियल लगाएगा, उसे क्यों नहीं लगाएगा, क्यू चार्ज की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, 2r है, तो बोलो ये कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि इसकी दूरी 2r है तो 2r के हिसाब से पोटेंशियल लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थ क्या कहती है, क्योंकि मैंने स्फीयर को टच कर लिया तो आप समझो इस स्फीयर का पोटेंशियल को मैं अब जीरो करके ही छोड़ूंगी। लेकिन ये क्या कह रहा है चार्ज कि मैंने यहां पर पोटेंशियल लगाया है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो लग रहा है इसकी इस शेल पर अर्थ क्या करेगी इस पोटेंशियल को जीरो। वो कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी, वो यहां पर इस शेल को कुछ ना नेगेटिव चार्ज दे देगी, मान लो माइनस क्यू। वो क्यों, क्योंकि अगर आउटर शेल पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है तो आउटर शेल भी इसके सरफेस पे पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, कितना, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r, ताकि नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो अंदर का शेल यहां पर जो पोटेंशियल लगा रहा है उसको देखते हुए अगर ये पॉजिटिव है तो अर्थ पक्का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देगी, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। अब ये तो कोई रूल नहीं रहा ना कि अर्थ ने इसको टच कर दिया इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, देखो चार्ज तो आ ही गया, तो अर्थ अपने हिसाब से इसको चार्ज देगी या लेगी वो खुद देखेगी, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है अर्थिंग का क्या पॉइंट है। हालांकि ये न्यूमेरिकल मैंने गलत किया, मैंने इंडक्शन लेनी थी, वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया मैंने, इस न्यूमेरिकल का अपनी लेना देना नहीं है असली कॉन्सेप्ट से। मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी पोटेंशियल ये लगा रहा होगा, अर्थ यहां पर माइनस चार्ज देगी, अपने पोटेंशियल को कैंसिल कर लेगी। अगर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रहा है, अर्थ उतना चार्ज देगी कि यहां पर -10 पोटेंशियल डेवलप हो जाए, ताकि नेट आंसर जीरो। तो अर्थ ने जिसको टच कर लिया उसका पोटेंशियल तो समझो जीरो हुआ ही हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है अर्थिंग का, चार्ज जीरो, उल्टा दे दिया इसने तो माइनस कर दिया, नहीं यार न्यूट्रलाइज क्यों किया, इंडक्शन तो मैंने लगाने को मना की ना इसमें ना, मैंने आपको इसमें मैंने कहा ये न्यूमेरिकल मैंने गलत सॉल्व किया है, मैंने न्यूमेरिकल सही सॉल्व नहीं किया, मैंने इंडक्शन ली नहीं इसमें, असली आंसर कुछ और है इसका, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि देखो अर्थ किस तरीके से अपने पोटेंशियल को जीरो कर सकती है अगर वो चाहे तो ये रूल नहीं है कि चार्ज को उड़ाई देगी सरफेस से, चार्ज दे भी सकती है अगर उसको लगता है कि मुझे देना चाहिए चार्ज, मेरा आंसर जीरो हो जाएगा तो वो दे देगी, लेकिन अपने आंसर पोटेंशियल को जीरो ही करेगी, ठीक। नहीं इस न्यूमेरिकल से प्लीज लेना देना नहीं है, आप प्लीज इंडक्शन लगा के इसको न्यूमेरिकली सॉल्व ना करें, रूल कुछ और है अर्थिंग का, वो मैं बताता हूं क्या रूल है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अर्थ बेसिकली करती क्या है। अर्थ देख लेगी ना कि एक बॉडी का अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव ये सभी पॉजिटिव चार्ज ने इसके ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, और मेरा नाम अर्थ है, मैं कहूंगी ठीक है मैं इसको टच करूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल मैं जीरो कैसे करूंगा। देखो इसके ऊपर तो अपना कोई चार्ज नहीं ना, ये तो मेटल का खाली पड़ा हुआ है, तुम लोगों ने मिलकर उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है, तो मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दूंगा एज अ अर्थ, ताकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे डेवलप हो जाए, ताकि तुम्हारा पोटेंशियल और मेरा पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है, जबकि ये तो बैठा ही था, तुम पॉजिटिव चार्जेस ने मिलकर इसके ऊपर वी लगाया पॉजिटिव, तो मैंने जब इसको टच किया अर्थ ने, तो इसका पोटेंशियल मैंने नेगेटिव कर देना है, वो कैसे, मैं इसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई करना शुरू कर दूंगा, ताकि इसका पोटेंशियल नेट जीरो हो जाए, ठीक है यहां तक। तो इस लॉजिक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसका डीप एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम हुई तो हुई कैसे, ठीक। पहले इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट ये कि मान लो इसमें तीन शेल है, इनमें से जो पहला शेल है उसका चार्ज क्यू है ओरिजिनल चार्ज क्यू है, और जो आखिरी शेल है उसका ओरिजिनल चार्ज 2q है, ये मैंने दिया, ठीक। फिर देखो q एंड 2q क्लियर है, ध्यान आगे।
तो यहां पर अर्थिंग है, क्वेश्चन है कि अगर मैं अर्थ को ऑन कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो बताओ इसके अंदर बाहर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन है। हर सरफेस के अंदर बाहर चार्ज निकालना, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्यू है, ध्यान आ गया सबका प्लीज, अगर ये क्यू है तो बाय इंडक्शन ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा। पहला रूल क्लियर? फिर किसी स्टूडेंट ने दूसरे बैच में मुझे कहा, सर अगर ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये प्लस क्यू नहीं होगा। तो ये कैसे रूल हुआ? इतनी देर से तो यही कर रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गई? अर्थ। अर्थ कहती है यहां का चार्ज मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि मेरे को एंड में क्या करना है? सबका पोटेंशियल जीरो। तो मैं पहले देखूंगी कि आसपास कितने चार्जेस ने मिलके यहां कितना पोटेंशियल लगाया, फिर मैं क्यू डैश डिसाइड करूंगी ताकि नेट आंसर क्या आ जाए? जीरो। इसलिए यहां तो ठीक है, जो तुमने करना है करो, क्यू की जगह माइनस क्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। यहां के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो अर्थ डिसाइड करेगी, और मान लो अर्थ ने कितना डिसाइड किया कि क्यू डैश चार्ज है, ठीक है यहां तक? अर्थ के ऊपर छोड़ दें क्योंकि उसने अपना पोटेंशियल जीरो करना होगा। और यहां पर वही सेम रूल, अगर ये क्यू डैश है बाय इंडक्शन माइनस क्यू डैश है बाय इंडक्शन प्लस क्यू डैश है, तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई। अर्थ क्या कहती है कि ठीक है, चार्जेस आपने बांट लिए सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये मैं डिसाइड करूंगी क्यू डैश, यहां इंडक्शन चलाई यहां इंडक्शन चलाई, यहां का पोटेंशियल क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो बीच वाला शेल जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो बोलो इस पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? सारे चार्जेस लगाएंगे। शुरू करते हैं, अंदर वाला शेल इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लगाएगा? अब इस शेल से पूछो तू कितना वी लगाएगा यहां पे, तो ये डिस्टेंस है कितना? 2r है, ये 2r है, तो अंदर वाला शेल क्या वी लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 2r। तो ये पहला पोटेंशियल क्लियर है अंदर वाले शेल का, ठीक है। फिर माइनस क्यू से पूछो, माइनस क्यू आउटर सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल के सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फिर से 2r है, तो ये कितना पोटेंशियल लगाएगा अपनी सरफेस पे? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r। और ये कितना लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश डिवाइडेड बाय 2r। ये पॉइंट्स भी क्लियर है, माइनस क्यू बाय 2r, क्यू डैश बाय 2r, कोई डाउट इसमें? ठीक है तक? ठीक है। लास्ट आउटर शेल, आउटर शेल से पूछा तू क्या लगाएगा भाई यहां पे? आउटर शेल कहता क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे अंदर लाए करता है, तो आप मेरी सरफेस से पूछ लो, जितना सरफेस का पोटेंशियल होगा उतना ही मेरा यहां का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सरफेस कितनी दूरी पे है? 3r। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय 3r। इंपॉर्टेंट है 3r, क्यों? क्योंकि आउटर शेल के लिए ये पॉइंट इनसाइड है, तो अपने सरफेस का पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। तो सरफेस का पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश बाय 3r एंड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय 3r। सबने अपना अपना पोटेंशियल लगा दिया, लेकिन अर्थ ने क्या कहा था कि जहां अर्थिंग है वहां नेट पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो। इक्वल टू जीरो पुट करो, क्यू डैश आ गया। सॉल्व कर लेना, क्यू डैश आएगा, ठीक। तो अर्थ ने कितना चार्ज यहां प्रोड्यूस किया था? माइनस 4q/3। ये समझ में आ गया, अर्थ ने डिसाइड किया। तो आंसर क्या होगा यहां पे? फर्स्ट शेल पे चार्ज क्या होगा? क्यू क्यू। इस पे चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? क्यू डैश। इसके ऊपर क्या होगा? माइनस क्यू डैश। माइनस क्यू डैश में क्यू डैश -4q/3 है, तो ये क्या आएगा? +4q/ लगा लो इसको, ब्रैकेट लगा के माइनस लगाओ आगे, क्योंकि माइनस तो माइनस आएगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है? -4q/3। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। राइट, पॉइंट समझ में आया यहां तक? करेक्शन कर लेना, यहां पर प्लस आएगा। और लास्ट बाहर क्या आएगा? 2q+q डैश, और क्यू डैश कितना है? -4q/3 आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, वो तो इसका मतलब ये है कि पहले ओपन था, इसको ज्वाइन कर लो, क्लोज करो, जोड़ लो इसे, क्लोज। अर्थिंग यानी ये ऑन की तब ऐसा हुआ,
हाँ आई थिंक है। तो ये स्विच का मतलब एस है, इसको क्लोज कर लो, डायग्राम में क्लोज कर लो। तो मैंने क्लोज करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना, मतलब अर्थिंग ऑन कर दी। ठीक, जो मैं प्रूफ करवाने जा रहा हूं वो टोटली ऑप्शनल है प्लीज। मेरी तरफ से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप भूल जाना मैंने ये प्रूफ आपको करवाया था, क्योंकि कभी कभी इनडेप्थ जाने से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट फिर भी काफी लोग मन में सोच रहे हैं कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, घर जाके रात भर सोची जाएंगे यार ये कैसे हो गया, तो उनके लिए है, उनको नींद आ जाएगी। ठीक, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इस पूरे क्वेश्चन को या जितने भी क्वेश्चन हमने किए, ये प्रूफ पहले फिट इन होता है और एग्जाम्पल बाद में आते हैं। मैंने प्रूफ एंड में करवाया है क्योंकि मैं चाहता नहीं प्रूफ करवाना, और बस बताना चाहता हूँ एक ऊपर ऊपर से कि देखो कैसे चीजें चलती हैं। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के अंदर मैं आंसर देने जा रहा हूँ कि इंडक्शन से, इंडक्शन का अफेक्ट बाहर से अंदर क्यों नहीं होता, अंदर से बाहर ही होता है, पहला आंसर। और दूसरा आंसर मैं ये देने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इंडक्शन में ये क्यू की जगह मैं माइनस क्यू लेता हूँ, क्या पता ये क्यू की जगह माइनस क्यू डैश हो, ये इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होता है, इसका आंसर देने जा रहा हूं कि इंडक्शन में चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों जनरेट होता है। इसके लिए सेम क्वेश्चन है, तीन शेल लो ए बी एंड सी एट अ रेडियस ऑफ ए बी सी, और बीच वाला शेल अर्थ है, सेम क्वेश्चन है ये। तो प्रूफ के लिए काम करो, इस ए शेल को बनाओ अलग से। आप कहोगे शेल तो पतला सा था, शेल मोटा कैसे हो गया, माइक्रोस्कोप से देखो इसे तो इसकी पूरी थिकनेस नजर आएगी आपको, ये पूरा ए शेल है, ये दो शेल्स नहीं है ए एंड बी, मोटा शेल है ए शेल। आपको मेटल के अंदर झांक के देखना है अंदर क्या चल रहा है इसके। तो उसके अंदर इमेजिन करो एक गॉशियन सरफेस है, बना लो रेड रेड गॉशियन सरफेस बना ली, क्लोज सरफेस है। फिर आपने क्या करना है, ए नंबर शेल के बाहर कितना चार्ज है, क्यू वन, ये क्यू वन देख रहे हो बाहर चार्ज है। गॉशियन सरफेस के कहां पर बनी, मेटल के अंदर बनाई, और मेटल के अंदर ई क्या होता है, जीरो होता ही नहीं वो, तो उसका ई डॉट डी एस से फ्लक्स भी क्या आएगा, जीरो। गॉशियन सरफेस का फ्लक्स जीरो है, और गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स होता क्या है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि फ्लक्स तो जीरो है तो चार्ज इनसाइड भी जीरो है, इसलिए इसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्रूफ है कि क्यू वन चार्ज अगर सरफेस के ऊपर, तो कोई ये ना सोचे कि Q1 की जगह कुछ चार्ज नीचे आएगा कुछ ऊपर आएगा। तो पहला जो शेल होगा कंसेंट्रिक शेल्स में, उसका चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर नहीं करना, वैसे याद है आपको तो ठीक है, छोड़ दो इसे, जरूरत नहीं है इसकी। गॉशियन सरफेस लिया है, ठीक, मेटल के अंदर कंडक्टर में इजी होता है, चार्ज ही नहीं होता किसी भी कंडक्टर के अंदर, काफी देर से यूज कर रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट देखो, अब एक काम करो, शेल नंबर बी कंसिडर करो, शेल नंबर बी को थोड़ा ध्यान से देखना, मोटा उसकी थिकनेस देखना, शेल नंबर बी दिखेगा आपको इस तरीके से, और ए शेल को ऐसे ही रखो। ए शेल पे चार्ज क्या है, क्यू वन, और मान लो मुझे इंडक्शन नहीं आती, मैंने अपने मन में मान लिया कि यहां पर चार्ज क्यू टू है, यहां क्यू थ्री है, जबकि अच्छे से पता है मुझे कि ये क्यू वन है तो ये माइनस Q1 आएगा, पर चलो मैं देखना चाहता हूं क्या आएगा, तो मैंने Q2 Q3 ले लिया। मैंने गॉशियन सरफेस इस मेटल के अंदर ली, इसका फ्लक्स जीरो है, E जीरो है, और इस रेड कलर की सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q2 plus Q1 must be equal to zero, ये आ गया, यानी कि Q2 is equal to minus Q1, तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया इंडक्शन कि अंदर का चार्ज का सम जीरो आएगा, यानी कि Q2 must be equal to minus Q1, इंडक्शन का प्रूफ है कि ये चार्ज माइनस क्यू वन क्यों होता है गॉस थ्योरम से। हालांकि आपको जरूरत नहीं है यार, आप तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से एक्सपर्ट हो, आपको तो वैसे ही पता है कि क्यू की जगह यहां माइनस क्यू आएगा, मतलब आप
ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, देखो कैसे लोगों ने इसको प्रूव किया, हमें नहीं जरूरत, हमें पता है क्यू की जगह माइनस क्यू ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। बट फिर भी अगर कोई कहे कि जैसे आपने पूछ ही लिया इसने कि सर कैसे आपको क्या पता लगता है कि बराबर आएगा, तो उनके लिए है कि जो बहुत डीप सोच रहे हैं कि बताओ तो सही कि चार्ज बराबर क्यों आया, उनको ठीक लग रहा होगा कि हाँ अच्छा बराबर आया। फिर वैसे ही थर्ड शेल में, थर्ड शेल को थोड़ा बड़ा बनाओ, बाकियों को ऐसे बनाओ, और इमेजिन कर लो ये क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, इसका इसका फ्लक्स जीरो है, इसके रेड कलर के अंदर का चार्ज जीरो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, लेकिन मुझे पता है क्यू टू क्यू वन कैंसिल हो जाएगा तो क्यू फोर और माइनस क्यू थ्री, यानी कि क्यू फोर और माइनस क्यू थ्री में भी क्या लगेगी, इंडक्शन लगेगी, जो हमने ऑलरेडी यहां लगा ली हुई है। चेक करो, हमने तो बिना इस प्रूफ के लगा लिया क्यू माइनस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू डैश, हमने तो वैसे ही कर लिया ना, बराबर है ये बराबर है, और मैं इतने लंबे प्रूफ के बाद ये चीज बता रहा हूं कि देखो ये बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा, तो प्रूफ करने की क्या जरूरत है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। नॉट फॉर एनसीईआरटी यार, ये शेल्स वाला प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगी, दो शेल्स आ सकते हैं सिर्फ, ओनली टू शेल्स मैक्सिमम, दो शेल का वी पूछ लेगा, इससे ऊपर मुश्किल है, मेंस और नीट के अंदर आएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, मुश्किल नहीं है, वी और ई तो निकाल ही लोगे, वी और ई में क्या प्रॉब्लम है, ठीक। नेक्स्ट है ये लो, सपोज आपके पास दो शेल्स हैं, आउटर शेल अर्थ है, इनर शेल पे चार्ज क्यू दे दिया, तो बोलो यहां पे कितना चार्ज आएगा आउटर शेल पे, तो रूल क्या बोलता है, वो तीन शेल थे ये दो शेल है, तीन शेल का हमने क्या रूल देखा कि इसके नीचे इंडक्शन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्यू माइनस क्यू कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहां का चार्ज अर्थ को दे देना, कि अर्थ डिसाइड करेगी यहां क्या लेना है, ताकि नेट पोटेंशियल क्या जाए जीरो, तो अर्थ डिसाइड करेगा पोटेंशियल क्या रखेगी जीरो, तो बताओ क्यू चार्ज इस आउटर इसके ऊपर कितनी दूरी पे है, थ्री आर, तो क्यू चार्ज थ्री आर डिस्टेंस में वी क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना, थ्री आर, और ऐसी माइनस क्यू लगाए क्या लगाएगा अपने सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 3R, और क्यू डैश भी क्या लगाएगा एग्जैक्टली सेम, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्यू डैश क्या आएगा जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, मतलब सेम है, बस फर्क यह है कि बाहर पहले तीन शेल दिए थे, अब एक शेल ऊपर वाला गायब कर दिया, बस अंदर वाला प्रॉब्लम तो सेम ही चल रहा है। मेथड क्लियर है, और ये मैंने सॉल्यूशन कटवा क्यों दिया था, अब समझ में आ गया, ये क्यू वन है, मैंने इंडक्शन ही लगाई माइनस क्यू वन क्यू डैश वाली, मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया, गलत हो गया, इसको प्लीज क्रॉस कर देना, ये सही नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अभी मैंने क्या सिखाया, जहां अर्थिंग है उसके नीचे इंडक्शन लगती है ना, तो मैंने लगाई नहीं इसमें, इसलिए मैंने क्रॉस करवाया, राइट, प्रॉब्लम तो सेम ही है, इसलिए क्रॉस किया, मैं खुद ही भूल गया, वो थोड़ा मैं दिमाग से निकल गया, और मैंने पहले सॉल्व कर दिया दरअसल ये, और वो रूल मैंने इसकी पोजीशन एंड में होनी चाहिए थी दरअसल, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है, नहीं ये नहीं, ये तो चलो एक प्रॉब्लम करते हैं फिर बताता हूं। इस प्रॉब्लम के अंदर अब अर्थिंग हमने कहा कि इस शेल के अंदर की, और एक और बात, एक स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन रही, क्या हो भी जाती है कभी कभी, वो सोचता था कि ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं है, अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अर्थ अर्थ बोल रहे हैं ना, बंदा सोचता है अर्थ ही बना, अर्थ नहीं बनाई हमने, शेल बनाया है जिसको अर्थ किया। तो ये टू क्यू और क्यू है, मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, अर्थिंग नहीं की, अगर मैंने अर्थिंग कर दी ठीक, अर्थ इस चार्ज को तो बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हवा में चार्ज तो निकालने से रही, आउटर शेल अर्थ के कांटेक्ट में डायरेक्ट तो है नहीं, तो क्यू चार्ज उस शेल पे तो रहेगा, लेकिन टू क्यू को खराब जरूर कर देगी, क्योंकि टू क्यू को हटा देगी और एक नया चार्ज बना देगी क्यू डैश, आपको बताना है क्यू डैश कितने, और अपने हिसाब से ऐसे सेट करेगी कि अर्थ का यहां का पोटेंशियल क्या जाए जीरो, ठीक। तो आपको बताना है क्या है, कर लो Q डैश इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश डिवाइडेड बाय R,
ठीक। और आउटर शेल यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, आउटर शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो जितना सरफेस का पोटेंशियल उतना अंदर पोटेंशियल, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 3 आर, राइट। तो इनर शेल इतना पोटेंशियल लगाएगा, आउटर कुछ पोटेंशियल लगाएगा, उनका सम इक्वल टू क्या, 0, आंसर क्यू डैश आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो 2q हटा के अर्थ क्या कर देगी इसके ऊपर, -q/3, ताकि नेट पोटेंशियल क्या आ जाए, 0। तो अर्थ की प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है, बस अर्थ की एक ही प्रॉब्लम है, जहां अर्थिंग है वहां वी क्या कर देना है, 0। ठीक है यहां तक, वो तो क्वेश्चन में ये पूछेगा ना कितना चार्ज फ्लो हो गया अर्थ में, ये चेंज ऑफ चार्ज बताओ, ये तो नया चार्ज पूछ रहा हूं कितना आया। तो पहले कितना था, 2q, अब कितना आ गया, -q/3, तो चेंज कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे फिर चेंज आ जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव वाले को पूछने दो ना क्या पूछता है। ठीक, देखो हाँ, कोई कहेगा इस पे, सर आपने यहां इंडक्शन नहीं लगाई, लगा लो क्यू डैश की, -q' और +q' लगा भी लोगे तो यहां पर जो वी निकालोगे तो अफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इसलिए लगाने का कोई फायदा। तो इंडक्शन कब लगानी है कब नहीं लगानी है प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, ये बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैंने कोशिश की है जितनी बुक्स के अंदर शेल्स जहां मुझे दिखे मैंने सारे सॉल्व कर दिए, और इसके अलावा एक शीट है मेरे पास 10 क्वेश्चंस की, उसके अलावा मेरे को प्रॉब्लम कमी दिखती है, दिख जाएगी तो हो ही जाएगी उनके बेस पे सॉल्व। ये कोई चैप्टर नहीं है शेल्स का, ये अलग अलग बुक्स में से उठाए हुए अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो इकट्ठे करवा रहा हूँ। तो ऐसे किताब के अंदर आपको शेल ही दिखने वाले हैं, शेल दिख रहा है कुछ नहीं दिखेगा, कभी कभी रेंडमली बीच में ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता होता है यार, दो शेल्स हैं, एक ए और एक बी, रेडियस है Q1 Q2 चार्ज है, ये बताओ कि ए पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा Q2 लगाएगा। तो ये पॉइंट अंदर वाले शेल के सरफेस के ऊपर है तो पोटेंशियल बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय ए, और बाहर वाला शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है तो मेरी सरफेस का ही पोटेंशियल लगा दो, सरफेस का क्या होगा, Q2 बाय P, निकाल लोगे ए पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक, बी पॉइंट का पोटेंशियल दोनों चार्जेस कैसे लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय B और Q2 डिवाइडेड बाय अगेन P, ये भी स्टेप क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, माइनस करेंगे तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, ये टर्म आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत आपकी कैलकुलेशन सेव करेगा ऑब्जेक्टिव में। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इनर चार्ज पे, आउटर चार्ज Q2 में पोटेंशियल डिफरेंस मैटर नहीं करता। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि आपके पास दो शेल्स हैं, एक और दो, ये Q1 ये Q2 कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसको 5 गुना कर दिया चार्ज को, आउटर चार्ज को 5 टाइम कर दिया, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल डिपेंड ओनली ऑन इनर शेल का चार्ज, तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो एक्चुअली इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा ना क्योंकि Q2 5 टाइम करोगे तो ये भी 5 टाइम हो जाएगा, अल्टीमेटली तो माइनस ही होना है। फिर वो कहेगा एक नया ट्रिक, उसको अर्थ कर दिया, अंदर के चार्ज को टच नहीं किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, अंदर का चार्ज तो छेड़ा नहीं, तो आउटर चार्ज चाहे अर्थ गायब करे या ना करे हमें उससे मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो जब तक आप दो शेल देते हो और आउटर शेल को आप जो मर्जी करते रहो, इनर शेल के ऊपर ही पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। VA माइनस VB क्यों किया, नहीं ये देखो ये कह रहे उल्टा क्यों नहीं किया, VA माइनस VB क्योंकि ये फैक्टर तो कॉमन है दोनों में कट गया। तो आप एक चीज देखो, ए रेडियस छोटा है तो ए का पोटेंशियल बड़ा आएगा, बी का छोटा आएगा, अंदर का पोटेंशियल बड़ा होता है बाहर का छोटा होता है। क्लियर है, सफिशिएंट है इतना, 20-25 मिनट का टेस्ट है आज।